दिन यानी 26 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के 107वें एपिसोड में लोगों के साथ अपने विचार साझा किए, जहां प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण प्रोजेक्ट सूरत, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कई मुद्दों पर बात की। और इन्हीं विषयों में से एक विषय था, विदेशों में शादी करना जरूरी है क्या। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर बात की, जिसे आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग भी कहा जाता है। डेस्टिनेशन वेडिंग इन दिनों काफ़ी ट्रेंड में है। इसके तहत लोग अपनी पसंद की जगहों पर शादी करने के लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उजागर किया कि भारतीय उत्पादों का समर्थन सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शादी विवाह जैसे समारोह में भी इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शादी सीजन में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हो सकता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो सकता है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विदेशों में शादियां आयोजित ना करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि भारत की मिट्टी में भारत के लोगों के बीच अगर शादी ब्याह मनाए तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ ना कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। और अगर आपके मन में डेस्टिनेशन वेडिंग करने की इच्छा बरकरार है तो हमारे देश में भी कई जगहें ऐसी हैं, जैसे शिमला, गोवा, मनाली, उदयपुर, रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण मंदिर और भी कई ऐसी जगह हैं जहां आप अपने डेस्टिनेशन वेडिंग के सपने को पूरा कर सकते हैं, जिससे हमारे देश को भी लाभ मिलेगा। वैशाली शर्मा, डीडी न्यूज़।